राज्यपाल जी आपके साथ आना क्या है? देखिए, विधानसभा जब कार्रवाई चल रही थी तो उसके जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन था विधानसभा के अंदर, तो 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार उन्होंने इस बात को शिवपाल जी को कहा कि अभी टाइम है, जल्दी करो, विलंब न करो, आ जाओ इधर, नहीं बाद में बहुत पछताओगे। तो जब बार बार वो रिपीट किए तो हमारी तरफ इशारा किया, मैंने भी इशारा किया, तो कहा घबराओ नहीं, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया और आने वाले दिनों में आज आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश जी को भी मजबूर किया कि एसी से बाहर निकल के बाई इलेक्शन में आए। जिस शिवपाल यादव जी को 22 के चुनाव में जहां सरकार बनाने की बात थी, एक भी सभा में उन्होंने नहीं भेजा, आज ओम प्रकाश राजभर ने इतनी मजबूर कर दिया कि शिवपाल जी को गांव गांव भटकने के लिए अखिलेश को भेजना पड़ा कि जाओ ओम प्रकाश राजभर, नहीं तो वहां स्थिति खराब है। फिर प्रोफेसर रामगोपाल जी को भेजा गया जो गांव गांव भटक रहे हैं, जिन गरीबों की बस्तियों में कभी राजनीतिक जीवन में गए नहीं, तो वहां जाकर के वोट मांग रहे हैं। ये है। और जल्दी ही जो बातें अखिलेश जी बार बार कहा करते थे, अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं, वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? ये लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है, वो घटना यूपी में होने जा रही है। मैंने ये तय है कि उनको बीजेपी में आना, बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।